अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज योर होस्ट तलहा फ्रॉम तलहा रिव्यूज यूट्यूब चैनल। गाइस, तो भाई अब बारी आती है अपकमिंग स्मार्टफोन्स की, जो कि 2021 में जनवरी के मंथ में पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहे हैं। अब देखो, ये जो 2021 है ये टोटली 5G रहने वाला। अगर पाकिस्तान की बात की जाए 5G के मामले में, तो यहाँ पर यार ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनके मामला ख़त्म होंगे तो ये 5G आएगा ना। खैर, अभी तक तो पाकिस्तान में 5G वाला कोई सीन नहीं है, लेकिन डिवाइसेस 5G आना स्टार्ट हो गई हैं। लाइक रेडमी ने ये काम शुरू कर दिया है। सो काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन जो है जनवरी के मंथ में लॉन्च होने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को देखने में, आप किसी स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो जो कि आपने परचेज करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शायद आपका भी कोई स्मार्टफोन हो इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हो, लेकिन उसके पहले चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरी वीडियोज के साथ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो भाई आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बड़े बशिंदे हैं, बड़ी डिवाइसेस हैं 5G वो वाली। लाइक सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सैमसंग से। सैमसंग S21 सीरीज जो है वो जनवरी के स्टार्ट में ही लॉन्च हो जाएगी, बट ग्लोबली मार्केट में उसके बाद जनवरी के लास्ट वीक तक ये पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी। अगर ये लास्ट में नहीं आती तो ये फिर फरवरी के स्टार्ट में जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगी। और यहाँ पर आपको एक्सिनोस का 2100 लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 888 को भी कम्पीट कर रहा है। खैर, ये तो आने पर ही पता चलेगा। और सैमसंग की ए सीरीज की बात की जाए तो उसमें भी नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, लाइक A32, A52, A72, इतने ज़्यादा स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। खैर, अभी के लिए जो कंफर्म्ड हैं वो दो स्मार्टफोन्स हैं, जहां पर A52 और A72 हैं। लेकिन अगर जनवरी की बात की जाए तो A52 जो 5G वाला है वो कंफर्म्ड है। जनवरी के मंथ में इसको लॉन्च किया जाएगा ग्लोबली मार्केट में। अगर ये होता है तो ये ग्लोबल तो 5G में लॉन्च होगा, बट पाकिस्तान में ये 4G प्रोसेसर के ऊपर आएगा, स्नैपड्रैगन 730G के ऊपर। सो पाकिस्तान में आपको पता है कि 5G वाला भी कोई सीन नहीं, अगर आ भी जाता है तो 5G लेकर करना क्या आप लोगों ने। तो ये 4G वेरिएंट के ऊपर आएगा, डिजाइन तकरीबन सेम ही है, A51 जैसा ही है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो अपग्रेड हुई हैं। उसके अलावा जो A72 है वो भाई आई थिंक कह सकते हैं कि फेब में लॉन्च हो जाए या मार्च तक लॉन्च हो जाएगा पाकिस्तान में। जो A72 है वो भी 5G है, बट पाकिस्तान में वो भी 4G आएगा। वो भी हो सकता है कि A52 के साथ ही लॉन्च कर दिया जाए या फिर नेक्स्ट मंथ आएगा। और उसके बाद अगर बात की जाए शाओमी की, शाओमी ने हाल ही में मी 20 सीरीज को पाकिस्तान में लॉन्च किया, और अभी के लिए इनके दो स्मार्टफोन्स और आ रहे हैं, जहां पर एक स्मार्टफोन मी 20 लाइट है, जो कि जनवरी के स्टार्ट में ही फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा पाकिस्तान में। अच्छा यार, यहां पर लोगों को, यार मैंने कल इसी के ऊपर वीडियो बनाई है इसी फोन के ऊपर, बट वहां पर मैंने एक चीज क्लियर नहीं की कि ये जो फोन है, ये स्मार्टफोन, ये इंडियन मार्केट में मी 10i के नाम से लॉन्च हो रहा है, चाइनीज मार्केट में रेडमी नोट 9 प्रो 5G के नाम से लॉन्च हुआ है, बट वहां पर 108 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आ रहा है। पाकिस्तान में जो वेरियंट आ रहा है वहां पर आपको 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर देखने को मिलेगा, ये चीज आपने जहन में रखनी है। और उसके अलावा मी 20 प्रो के भी चांसेस हैं कि वो भी इसी के साथ ही लॉन्च कर दिया जाएगा। और उसके अलावा बात की जाए रियलमी की, बिकॉज शाओमी आ रहा है तो रियलमी का भी हक बनता है, रियलमी X7 सीरीज अभी ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है जनवरी के फर्स्ट में, बिकॉज वहां पर भी मी 20 सीरीज लॉन्च हो रही है, तो उसी के साथ इसको भी लॉन्च करना पड़ेगा। अभी एक्स सीरीज उधर आ रही है, बट पाकिस्तान में आपको पता है कि रियलमी के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। लाइक रियलमी हमेशा से ओवर प्राइज्ड काम करता है, और इसी वजह से थोड़ी बहुत मार खा जाता है, वरना तो अच्छी डिवाइसेस लाता है रियलमी। सो एक्स सीरीज के मामले में 100% कंफर्म नहीं है कि ये सीरीज पाकिस्तान में आएगी, लेकिन 85% चांसेस यही है कि ये पाकिस्तान में आएगी। अगर आती है तो ये जनवरी के लास्ट तक पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगी, वरना फिर अल्लाह हाफिज़ा, लेकिन आई होप कि ये लॉन्च होगी। खैर, रियलमी की बात कर ली, अभी इन्हीं का ही जो ब्रांड है जिन्होंने इसको बनाया है, ओप्पो की बात कर रहा हूँ, ओप्पो रेनो 5 सीरीज भी पाकिस्तान में आ रही है। अब ओप्पो डिवाइसेस काफ़ी अच्छी बनाता है, बट ओप्पो जो सस्ते नशे वाला काम है वो पता नहीं क्यों कर लेते हैं। लाइक ये ब्रांड्स को नशा मिलता कहाँ से, इतना सस्ता नशा करके जो डिवाइसेज की प्राइजेज हैं वो इतनी हाई रख देते हैं। रेनो 5 सीरीज 5G सीरीज है, आपको पता है। अब देखो, पाकिस्तान में 5G नहीं है, अगर हम लोग पैसे देते भी हैं तो हमें 5G का फायदा ही नहीं है, 5G है ही नहीं पाकिस्तान में, चलाना क्या हमने बाबा जी। तो 5G पाकिस्तान में नहीं है, इसी के मामले में ये सीरीज हो सकता है कि 4G में कन्वर्टेड हो गए पाकिस्तान में आए, बट यहाँ पर इसमें जो 5G प्रोसेसर है वो डायमंड सिटी का 1000+ है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, बट पाकिस्तान का कुछ नहीं कहा जा सकता। लॉन्च तो होगी ये जन में, लेकिन यहाँ पर 5G वाला सीन ऑफ ही रहेगा। इसी के साथ ओप्पो की एक और डिवाइस है, ओप्पो A15, इसको भी जन में पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है। ये ओप्पो की एक मिड रेंज डिवाइस है, अब आपको पता है कि ओप्पो मिड रेंज में इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा, बट हाँ इनकी एक डिवाइस है A53 जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है, बट अभी के लिए ओप्पो की कोई डिवाइस मिड रेंज में अच्छा वर्क नहीं कर रही। इसी के चलते हुए ये जनवरी के मिड तक लॉन्च हो जाएगी पाकिस्तान में ओप्पो A15। खैर, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार
एक लाइक तो कर सकते हो ना यार, इतना तो हक बनता आप लोगों का। खैर लाइक कर दो मेरी वीडियो को। उसके अलावा चलते हैं भाई छुटकू मुटकू ब्रांड्स की तरफ। यस मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स और टेक्नो की। ये ब्रांड्स तो छुटकू मुटकू हैं लेकिन धमाके बहुत बड़े बड़े करते हैं। अब इन्फिनिक्स की डिवाइस आ रही है इन्फिनिक्स होट 10 लाइट, जो कि इन्फिनिक्स होट 10 का ही एक छोटा भाई है, और ये तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये की प्राइस में आने वाला है पाकिस्तान में। प्रोसेसर मीडिया टेक का हीलियो A22, पता नहीं A20 है। प्रोसेसर के मामले में आपको पता है कि अगर 14-15 हज़ार रुपये की, आई थिंक यहाँ पर प्रोसेसर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन खैर देखते हैं, ये आ रहा है जनवरी के मंथ में पाकिस्तान में। ये जनवरी में लॉन्च हो जाएगा किसी भी वक्त, बिकॉज ये एक छोटी डिवाइस है, इसको ऑफलाइन ही डायरेक्ट लॉन्च कर दिया जाएगा, इसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं होगी। उसके अलावा टेक्नो की बात आती है भाई, जिन लोगों को टेक्नो पोवा 2 का इंतज़ार है, एक बात बता दूं, जब टेक्नो पोवा आया था तो सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई थी पाकिस्तान में, उसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने सबसे पहले की थी पाकिस्तान में, उसका पबजी टेस्ट भी मैंने ही किया था, और उसके बाद पोवा 2 की जब न्यूज़ आई सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई थी। ये चीज़ आप नोट कर लें, और आई थिंक बहुत से लोगों ने मुझे उस वीडियो पर प्यार भी काफ़ी अच्छा दिया, काफ़ी अच्छे लाइक्स आए। सो अभी लोग यही पूछे जा रहे हैं कि भाई पोवा 2 कब आ रहा है मेरे भाई। तो यार पोवा 2 के मामले में ये है कि काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर लिस्ट हो चुका है ये स्मार्टफोन, बट वहाँ पर अभी नेम नहीं आया। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जनवरी के मध्य में टेक्नो की एक डिवाइस आ रही है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो रिवील नहीं हुई, लेकिन जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसी के हिसाब से ये कह सकते हैं कि जनवरी या फिर फरवरी के लास्ट तक इस फोन को भी पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। बिकॉज पोवा जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल स्मार्टफोन था, तो ये भी आएगा, ज़रूर आएगा, वेट कर सकते हो। बिकॉज जिन लोगों ने पोवा बाय करना था वो रुक गए हैं इसी वजह से। तो आई थिंक आप जनवरी फरवरी के लास्ट तक वेट कर लो, अगर तब नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो न्यूज़ आ रही हैं वो यही हैं कि फेब के लास्ट तक इस फ़ोन को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ पर अभी बारी आती है नोकिया की, नोकिया दी लेजेंड। यस नोकिया आपको पता है कि फुली डाउन चल रहा है हर मामले में, एंड्रॉयड या कीपैड के मामले में। इनके दूसरे फ़ोन जो हैं वो ऑफलाइन में काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, ये कीपैड वाले, बाकी तो नोकिया तकरीबन डेड है। अभी नोकिया का एक स्मार्टफोन आ रहा है जनवरी के मंथ में पाकिस्तान में, जो कि नोकिया 5.4 है। अभी देखो नोकिया इतना अच्छा खासा चल नहीं रहा, लेकिन अगर प्राइस अग्रेसिव रख देता तो शायद ये चल जाए, बिकॉज नोकिया में अपडेट्स का जो मामला है वो काफ़ी अच्छा है। देखते हैं ये भी जनवरी में आ रही है। मुझे तो नोकिया नहीं पसंद है एट दिस टाइम, आपका क्या ख्याल है, आपको नोकिया पसंद है या नहीं? बिकॉज इनकी रिंगटोन काफ़ी मज़े की है, वो ऐसे वाली है ना, यू नो। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, आई होप कि वाकई अच्छी लगी होगी। अगर बुरी लगी है या मैं कोई चीज़ छोड़ गया हूँ या जो भी है यार, मुझे सजेशन दो कि मैं क्या करूँ, कमेंट लाजमी से करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।